क्यूटी। तो पता नहीं रात में क्या कर रही है, देखो। हेलो एवरीवन, तो हमारे हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय न्यू ब्लॉग गाइस। आज का ब्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि मेरे पापा का बर्थडे है और मैं सो के उठ चुकी हूँ। मैं रात खाटू श्याम के फंक्शन में गई थी तो मैं वहाँ से बहुत लेट आई थी और उसके बाद मैं सो गई और पापा ऑफिस जा चुके और मैं लेट उठी। मैंने उन्हें विश नहीं किया, अब बस कॉल करती हूँ, उनको विश करती हूँ और वो जल्दी से आ जाए, फिर हम कुछ करेंगे उनके लिए। ऑफिस चले गए थे तो हम लोग अभी तो हम पापा का वेलकम कर रहे हैं। अभी पापा हैप्पी बर्थडे और अब पापा सुबह ऑफिस चले गए, हम तीनों सो रहे थे, हम कर ही नहीं पाए। हेलो एवरीवन, जैसे आप सबको आज पता है आज हमारे पापा का बर्थडे है तो हम उनके लिए गिफ्ट लेने जा रहे हैं, तो लेट्स गाइस हम सोच रहे हैं कहाँ से लें। अब यही सोचते हैं कहाँ से लें, क्या लें, यही सोच रहे हैं। अभी तो कुछ डिसाइड भी नहीं करा हमने। गाइस हम लोग आ चुके हैं मैक्स। सो गाइस अभी हम मैक्स देखते हैं, कुछ पसंद आता है तो देखते हैं पापा के लिए टी शर्ट शर्ट या जैसे भी एक्स वाई जेड। और यहाँ से नहीं आता फिर कहीं और जा कर देखेंगे। पापा के साइज़ क्या होता है मैडम मुझे पता। यो नीचे तो गर्ल्स सेक्शन था तो हम लोगों को ऊपर जाना है अभी। हेलो टी शर्ट, ये है पापा पहनते हैं कुछ इस टाइप की और ऐसे पॉकेट होनी चाहिए क्योंकि वो बैंक वगैरह जाते हैं ना तो उनको सामान रखना पड़ता है। कुछ पसंद आया? मुझे ये पसंद है। कौन सी? तुम्हें अपनी आपको नहीं पहनना है, पापा को पहनाना है। लिंग है और ये अच्छी लगी, काउ प्रिंट बहुत अच्छी, ये मुझे बहुत पसंद आ रही है। जिसे मैं ये दे सकूं सही है नहीं है मैं क्या जी में नहीं है इसमें। हम लोग बहुत कंफ्यूज हो चुके हैं। वैसे पापा को मैं जाती हूँ शॉपिंग कराने के लिए लेकिन अभी तो सीरियसली मैं कंफ्यूज हो चुकी हूँ। ये लोग अब पापा का छोड़ के ये मुझे दिला दो यार, देखना बंद करो हाथ जोड़ के, मैं गुजारिश करता हूँ। लोग पापा के लिए आए हैं शॉपिंग करने और वो बोल रही है कि मुझे वो दिला दो और ये बोल रही है मुझे ये दिला दो और ये अपना अपना देख रही है। भाई बॉयज के तो छोड़ दो यहाँ पे, यहाँ में पिघल गया। चलिए जॉगर भी है, साइज में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी तो भैया हम लोगों को साइज दिखा रहे हैं। ये डबल एक्सएल है, नहीं ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा, सर एक्सएल आ जाएगा। हम ये वाली पसंद आ रही है, ये दोनों देखो, इन दोनों को कुछ और नहीं दिख रहा। पापा ये नहीं पहनेंगे, बच्चे के लिए खरीदूंगी। हाँ मेरे बच्चे जल्दी जल्दी करना ना। ये लोग पागल हो चुके हैं, मैं ये पहनूंगी। तो, मारो मुझे, मारो मारो, नहीं ये मजाक हो रहा है। आपके बेबी को मैं डंगरी पहनाऊंगी। हम लोग पापा की शॉपिंग करने आते रहे, किड्स देखना इन बच्चों के सेक्शन में आकर क्या कर रहे हैं लोग। फ्रूटी फ्रूटी फ्रूटी, इन लोगों को ऐसे लेके जाऊँ मैं घर? ये दोनों देखना पागल हो गई हैं, अभी कुछ लेना भी नहीं है। और ये बाय बाय, क्या बैग तो बहुत अच्छी है, क्लासिक है एकदम। गाइस हम लोगों ने ले लिया जो भी हमें लेना था। बाय बाय गाइस, नाइट हो चुकी है, हमने पापा के लिए जो है गिफ्ट्स तो ले लिया है, अब हम घर जाते हैं और फिर रेडी हो के फिर हम कुछ सेलिब्रेट तो करेंगे। पापा का बर्थडे हम सेलिब्रेट ना करें तो सबसे पहले हम पापा के लिए केक लेने जाते हैं। सो गाइस हम लोग आ गए अलका बेकरी यहाँ से केक उठाने। दी बताओ कौन सा लें, आशी दी? हाँ यही मेरा फेवरेट है, यही ले लेते हैं। कौन सा है? केक
शॉपिंग कर चुके हैं, अब हम जा रहे हैं घर पापा के पास, फिर हम जाते हैं देखते हैं कौन से रेस्टोरेंट वगैरह में जाएंगे, फिर देखते हैं क्या होता है। इस अब हम जाके रेडी होंगे, इतनी गंदी हालत हो रही है, ऐसे तो बिल्कुल नहीं जाएंगे, सुंदर ब्यूटीफुल बन के जाएंगे। चले, जय साईं बाबा की जय। गाइस देख सकते हैं आप साईं मंदिर के साइड कितना ट्रैफिक रहता है एकदम। सो गाइस हम लोग आ चुके हैं घर, पापा है अंदर और हम जा रहे हैं सरप्राइज देने। चलो गाइस चलते हैं अंदर। अरे उठ के तो बैठो, तैयार हो। हैप्पी बर्थडे आपके लिए। अब यही पहन के जाओ ना आप, हम भी यही लेके आए, हम यही लेके आए। साइज सही आएगा क्या? नहीं, अब जो भी हम जैसे भी लेके आए वही पहन के जाना हमारे साथ। अभी हम जाएंगे घूमने के लिए, पापा का बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। मिल नहीं रही थी पर बहुत प्रॉब्लम हो रही थी पॉकेट वाली में ये असलम ने ये कलर लेके आए, यही पहन के जाओ ना। अब आप कोई ब्लैक अगर हो आपके पास तो उस पे ही मैच हो जाएगा पूरा। मेन टॉपिक कि पापा को पसंद आ गई और पापा को पसंद आ गई। अब पापा पहनेंगे यही जो हम लेके आए और मम्मी पापा दोनों मैचिंग हो जाएंगे। नहीं तो थोड़ा पिंक पर्पल मैचिंग हो ही जाएगा। पापा जल्दी से पहन के दिखाओ। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। हम लोग रेडी हो चुके हैं, मैं मियाओ बिल्ली बन चुकी हूँ, ये भी रेडी हो चुकी है, फ्रूटिया भी बाहर है और हम जा रहे हैं पापा का बर्थडे सेलिब्रेट करने। लेट्स गो। आ चुके हैं, ये पार्किंग है, पार्क कर दी हमने और हम जा रहे हैं ऊपर। सिल्वर स्पून गाइस, मम्मा पापा जा रहे हैं, हम जा चुके हैं, मुझे अकेला छोड़ दिया है, मैं सबसे पीछे अकेली आ रही हूँ, टक टक करती पे। पापा का केक हो रहा है ओपन, फ्रूटी ओपन कर रही है। आशी खा लो केक। सो गाइस हमारे पिज्जा आ चुके हैं गाइस, यहाँ पे पिज्जा पार्टी चल रही है, सब लोग खा रहे हैं पिज्जा। ये मेरी स्माइली हर बार की तरह क्यूट सी। पापा की फरमाइश है पापा को छोले भटूरे खाने हैं और यहाँ पे मिले नहीं तो पापा जाएंगे छोले भटूरे खाने। पता नहीं पापा को आज बर्थडे वाले दिन छोले भटूरे खाने का मन कर रहा है। सो गाइस ये इनका है सिल्वर स्पून रेस्टोरेंट, काफ़ी अच्छा है, यहाँ का पिज़्ज़ा वगैरह भी हम लोगों को बहुत अच्छा लगा। सो गाइस ये यहाँ के ऑनर है भैया, भैया आपका नाम क्या है? शुभम अग्रवाल। शुभम अग्रवाल, लोगों को बहुत अच्छा लगा। तो गाइस हम लोग नंदन से आ चुके हैं पापा की फरमाइश पे। किधर जा रही हो? और कुछ लेना है? और लेना है, मेरा पेट तो इसमें भर जाएगा, पापा कह रहे हैं। और तो गाइस हम लोगों के छोले भटूरे आ चुके हैं और हम बहुत मजे से खा रहे हैं इसे। चीयर्स। बिना खोले अबे किन्ने खोली मेरी है। बटन आज से कैन नहीं खुल रही है, बिल्कुल कमजोर हो जाए। इसमें ताकत नहीं। चीयर्स। थोड़ा थोड़ा ही खा पाए, पेट भर गया। पता नहीं इन लोगों ने नान वान मंगाई थी। सब लोग जा चुके हैं, सिर्फ हम लोगों की फैमिली बैठी हुई है यहाँ पे। जीरो शुगर। हाय, चलो घर चलो चलो घर। हो रहा है पापा का बर्थडे सेलिब्रेट। आ रहे अपने घर।
हम जा रहे हैं अब घर। गाइस पूरी रात हो चुकी है, हमें फोटो खींचते हैं। सो गाइस हम लोग अपने ब्लॉग को यहीं पे करते हैं एंड अगर आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगा तो हमारे ब्लॉग को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब